अनु बेटा इसके पास ना लेके आओ जान, वो खाना खा रही है, वो खाना खा रहे ना। Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की रेसिपी जी बहुत डिफरेंट, बहुत सिंपल और यू रेडी होने वाली रेसिपी है। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि दाइम को मैं नूडल्स खिलाती थी, वो बहुत शौक से खाता है, लेकिन उससे दाइम के पेट में शदीद दर्द होता था। तो मेरी एक फॉलोअर ने मुझे कहा कि आप भी अगर आप इस तरह करके खिला दे जाए, मेरी बेटी इस तरह बहुत शौक से खाती है, आप दाइम को भी इस तरह खिलाएं, दाइम बहुत इंजॉय करेगा। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा उनका, चले जी मैं दाइम के लिए बनाने लगी हूँ। आप लोग भी देखिएगा, बहुत सिंपल और क्विक रेसिपी है। चले जी रेसिपी की तरफ चलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी रेसिपी शुरू करते हैं। आप लोगों ने आंखें बंद करनी है और आंखें खोलनी है, ये रेसिपी बनके तैयार हो जाने इतनी आसान है। हमें चाहिए एक गिलास भर के पानी, 3 चम्मच हल्के हल्के ओट्स के, और हमने जो चिकन नूडल्स के अंदर जो मसाला होता है वो हमने पैकेट लेना है हाफ। अगर चिकन नूडल्स का छोटा पैकेट है छोटू के नाम से तो हमने पूरा डाल देना है। अगर स्टैंडर्ड साइज़ की नूडल्स का पैकेट के अंदर से हम साशे निकालें तो हमने जी मसाले का आधा पैकेट डालना है। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आधे से थोड़े से ज़्यादा डाल लीजिएगा, 1 साल से कम है तो आधा बहुत है। सॉस पैन के अंदर पानी शामिल कर दिया, उसके बाद ओट्स शामिल कर दिए। अब हमने आग पे नहीं रखा, हम पहले शामिल करें सब चीज़ें, फिर इसके अंदर मसाले का आधा पैकेट शामिल कर देंगे। चिकन नूडल्स के मसाले का पैकेट ही डालना है क्योंकि ये बच्चे खा सकते हैं, बाकी स्पाइसी हो जाएंगे बच्चों के लिए। ये जी आधा हमने पैकेट डाल दिया और आधा हमने ये देखें जी बचा लिया। अब इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा, चम्मच से जी मिक्स कर लिया। अब बारी आती है चूल्हे पे रखने की, आग नीचे जला देंगे और हल्के हल्के हाथों के साथ हिलाएंगे, और जैसे ही ये आग पकड़ेगा बॉयल आएगा, फौरन गाढ़ा हो जाएगा। इंस्टेंट ओट्स हैं ये देखें जी, 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये ओट्स बनके रेडी हो गए हैं। हम थोड़ा सा और बबल्स आने देंगे ताकि पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, हमने बहुत ड्राई भी नहीं करना, बहुत पानी भी नहीं रखना है ये देखें। और इसको 2-3 और बॉयल्स आएंगे तो हमने चूल्हा बंद कर देना है। बहुत तेज़ आग पे नहीं पकाएंगे, फ़ौरन पक जाएगा, हल्की दरमियानी आग पे पकाएंगे ताकि हल्का सा ना वो सॉफ्ट भी हो जाए। ये बन गए हैं, चूल्हा बंद कर दिया है, अब ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। और ये सर्विंग तकरीबन 3 दफ़ा हम खिला सकते हैं, ठीक है? अगर बच्चा आपका पहली दफ़ा खा रहा है तो 3 दफ़ा खिलाएगा। मैं दाइम को इतनी सर्विंग दूँगी, उसने 5 से 6 बाइट्स छोड़ दी थी। अब इसको ठंडा करते हैं। ओट्स जी रेडी हो गए हैं, ये देखें जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बच्चों को सिर्फ वो फ्लेवर चाहिए होता है, अंदर उनको हेल्दी होगा, नूडल से पेट खराब हो जाता है, किसी किसी बच्चे का नहीं भी होता होगा, लेकिन दाइम जिस दिन नूडल खा रहे थे सारी रात मेरी जाग के गुजरती है, इतना मुझे पता है। अच्छा जी अब ये थोड़े से ठंडे होंगे, फिर हम दाइम के पास चलेंगे, दाइम को खिलाएंगे। इतने मज़ेदार लग रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी है कि बच्चा बड़े आराम से बड़े शौक से खाएगा। चले जी दाइम के पास चलते हैं, दाइम की थोड़ी सी वीडियो में आप लोग को दिखाती हूँ खाते हुए की। दाइम नूडल्स, मेरे भालू के लिए नूडल्स चाहिए। आज मूड नहीं है बातों करने का ना, चलो हम बातें नहीं करते, हम सीधा खाते हैं। बेटा एक दे रही हूँ, ये लो मेरा गुगू, ये लो। बिस्मिल्लाह। कस्टर्ड जैसे। कस्टर्ड जैसे? हाँ। यू लाइक इट? आई डोंट लाइक कस्टर्ड। यू डोंट लाइक कस्टर्ड? अच्छा जी। मलक न्यू कालो तोला जा, ना नानी होनी, ना नानी होनी है, खाना तो पलेगा। अगु खाना तो पलेगा मिले बेबी को। चल इसको आप ही ने 3 बाइट लिए ना? आप ही ने कोई बाइट नहीं ली है, आप ही गंदी है, आप ही नखरे करती है। अब एरोप्लेन एरोप्लेन आ गया। ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दुआ में याद रखिएगा, आऊँगी मैं अब अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जी रब रख।